पलामू से हमारे संवाददाता अजय कुमार चौधरी की रिपोर्ट। पलामू देवरी रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज निर्माण हेतु आम आदमी पार्टी ने चलाया जागरूकता अभियान। आम आदमी पार्टी हुसैनाबाद जपला देवरी रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज नहीं बनाए जाने के कारण लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए दिनांक 13 जून 2018 को जयप्रकाश चौक से जपला नगर भ्रमण कर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में जपला नगर वासियों के बीच जाकर क्रॉसिंग से होने वाले परेशानियों की चर्चा की गई। क्रॉसिंग पर ब्रिज नहीं बनाए जाने के कारण घंटों जाम में फंसे रहते हैं लोग। सबसे ज्यादा परेशानी तो मरीजों को लेकर आने जाने में होती रहती है। रेलवे ओवर ब्रिज का जो कार्य है इसके लिए काफी बार हंगामा भी हुआ है और अभी तक इसका कोई भी जो है हमेशा इसके लिए DRM आते हैं और इस पर सलाह भी दे देते हैं, कहते हैं कि काम लग जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य नहीं लगा है। बस बहानेबाजी यहाँ नेताओं की चलती है। हम इसलिए अनुरोध करेंगे DRM मुगलसराय से कि जल्द से जल्द इस ओवर ब्रिज का काम लगे ताकि जनता को होने वाली परेशानी ख़त्म हो। इससे काफ़ी सारी परेशानियां हैं, जाम घंटों तक लगा रहता है। अभी आते समय देखा भी कि घंटों तक जाम लगा रहता है, लंबा लंबा जाम रहता है, उसमें काफ़ी आने वाले दूर से भी पैसेंजर को काफ़ी परेशानी होती है। आज हम लोग जपला में देवरी रोड पर जो रेलवे क्रॉसिंग है उस पर बहुत दिनों से जपला नगर निवासियों की और पूरे इस क्षेत्र के जनता की ये मांग रही है कि इस पर पुल का निर्माण किया जाए, ब्रिज का निर्माण किया जाए, लेकिन लंबे अरसे से ये ब्रिज का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ जाम की समस्या है, अस्त व्यस्त शहर हो जाता है, लोगों को काफ़ी परेशानी है। इस मुद्दे को मद्देनज़र यहाँ जपला आम आदमी पार्टी की इकाई ने ये निर्णय लिया कि आज हम लोग जनता को जगाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग प्रशासन को मजबूर करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि यहाँ जल्द से जल्द ब्रिज का निर्माण कराया जाए ताकि आम जन को जो ये जाम से होने वाली समस्या है उससे मुक्ति मिल सके। पवन कुमार पांडे, आम आदमी पार्टी प्रदेश समिति सदस्य और पलामू प्रमंडल प्रभारी। क्या समस्या है आप लोग की? यहाँ बहुत बड़ी समस्या है रेलवे क्रॉसिंग की। जहाँ आदमी जाता है डायबिटिक केस रहता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कोई नहीं, क्रॉसिंग बंद रहती है, बहुत परेशानी, आधा घंटा जाम लगा रहता है। अगर ब्रिज बन जाती पूरे हुसैनाबाद की जनता को इसका फ़ायदा होता, हम लोग की सुविधा दूर होती इससे। घंटों जाम है, मेन रोड यही है देवरी जाने के, डंगवा डिरी ओनसोन जाने के लिए लोग बीमार पड़े रहते हैं, एम्बुलेंस लगा रहता है, घंटों जाम लगा रहता है। इसे जल्द से जल्द इसका निर्माण किया जाए ब्रिज का। हमेशा हम लोग इलेक्शन में लोग वादा लोग करते हैं कि ब्रिज बनवा देंगे, आज तक ब्रिज किसी ने बनवाया, या संजय यादव हो या शिवपूजा मेहता हो या कमलेश सिंह हो, कोई भी नहीं, बस इलेक्शन में लोग वादा करते हैं कि ब्रिज बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा, आज तक ब्रिज नहीं बना। जपला नगर की जनसंख्या बढ़ जाने के कारण जाम और भी भयावह हो जाता है। जन जागरूकता रैली निकालने के बाद रेलवे प्रबंधक के नाम एक ज्ञापन स्थानीय रेलवे मास्टर के माध्यम से सौंपा गया। बतौर मुख्य अतिथि श्री पवन पांडे जी ने कहा कि एक महीने के अंदर ब्रिज निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो हुसैनाबाद की जनता आंदोलन करने को बाध्य होगी। धन्यवाद।